अगर मैं फोर्थ सबसेल की बात करूं तो फोर्थ सबसेल में कौन सा ऑर्बिटल होगा? 4-1d ऑर्बिटल, यानी 3d ऑर्बिटल होगा। क्या फोर्थ सबसेल में 4d ऑर्बिटल होगा कभी? तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो अपन लोग आज पहले ना ये सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तभी हम ये देखेंगे कि किस एलिमेंट का कौन सा ग्रुप और कौन सा पीरियड है और उसको कैसे निकाला जाता है ना। तो चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाए, है ना। अब क्लास 11th में, ये क्लास 11th का ही टॉपिक है, आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है, वहां पे कुछ रूल्स दिए हुए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए, है ना। तो उसमें सिर्फ एक ही रूल है, आप वो रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, है ना। तो देखो, बाई यूजिंग अफबाउ रूल, है ना। व्हाट इज अफबाउ? अफबाउ साइंटिस्ट नहीं है, अफबाउ क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टू फिल, भरना, ठीक है। अब अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, तो एक बार मैं आपको यहां पे सिंपल सा बना के बता रहा हूं, आप देखो और उसको फॉलो करो, ठीक है। देखो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, है ना, और 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, ठीक है, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g और 6g और 6h, इस तरह से आगे चलता जाता है, और 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h और 7i, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अब देखो, नॉर्मली आपने f ऑर्बिटल तक पढ़ा हुआ है, यानी आपने f तक पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके आगे भी होते हैं, हम हाइपोथेटिकली वहां बात करते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी बच्चों? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे आएगा 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में, देन 2p 3s, देन 3p 4s, 3d 4p 5s, देन 3d 5p 6s। तो इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरह से भरते हैं, यानी आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, एस पी डी एफ जी एच आई, ये सब क्या, ये सब ऑर्बिटल्स है, क्या ये सब ऑर्बिटल्स है। तो अगर हम बात करें एस पी डी एफ जी एच आई एंड सो ऑन, दे आर ऑर्बिटल्स, ये क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आपको कोई बोले कि अच्छा डिफाइन करो भैया ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, तो ऑर्बिटल्स जो है न्यूक्लियस के आसपास का वो रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तीसरी चीज क्या याद रखनी है, एस ऑर्बिटल है अगर, है ना, यानी एस सबशेल की बात करते हैं, एस सबशेल, है ना, हम लोग इनकी ये ऑर्बिटल और सबशेल दोनों होते हैं, तो एस सबशेल के अंदर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, दो, टू इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, ठीक है ना। यानी एस सबशेल में एक ही बॉक्स होता है,
और एक बॉक्स में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आते हैं। अगर आप पी ऑर्बिटल की बात करो या पी सब शेल की बात करो, तो पी सब शेल के अंदर देखो बेटा तीन ऑर्बिटल होते हैं। ये जो डब्बे है ना, ये डब्बे ऑर्बिटल है, ये डब्बे ऑर्बिटल है, और ये जो पूरा है तीनों को मिलाकर के बन रहा है सब शेल, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए ना। और अब इसमें अगर एक में दो आ सकते हो, तीन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, छह इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। बोलो बात चल रहे हैं। ऐसे ही डी सब शेल, डी सब शेल में बेटा आपके होते हैं पांच ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं, पांच ऑर्बिटल। अब पांच में अगर एक में दो आ रहे हैं तो पांच में कितने आएंगे, दस आएंगे। तो आप तो लिखोगे टेन इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, तो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं वो लिखते हैं। अच्छा मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, जीरो वन टू थ्री कितने भी, है ना। मैक्सिमम डी में कितने होंगे, टेन इलेक्ट्रॉन। ये पूरी सबशेल है और इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, तीन चार पांच ऑर्बिटल। ये बात चल रही है। सेम एफ सबशेल की बात करें, एफ सबशेल, तो एफ सबशेल में बेटा आपके होते हैं सेवन ऑर्बिटल, एक दो तीन चार पांच छह और एक सात। और सात ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो सात में कितने आएंगे बेटा, फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। एफ के बाद क्या आ गया, जी सब शेल, तो जी सब शेल में कितने होंगे, नाइन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ, नाइन। तो नाइन में कितने आएंगे, एटीन इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। जी के बाद एच ले लो, एच सब शेल, एच सब शेल में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा, इलेवन ऑर्बिटल, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और एक ग्यारह, तो कितने ऑर्बिटल बेटा, इलेवन। अच्छा अगर एक में दो है तो ग्यारह में कितने होंगे, ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, है ना। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि ऑर्बिटल जो है वो ऑड नंबर में चल रहे हैं, एक तीन पांच सात नौ ग्यारह, तो आई में कितने होंगे, तेरह, थर्टीन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 26। तो आप तो बस ये याद रखना, जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ेंगे, जैसे सबशेल बढ़ेगी, वैसे वैसे ऑड नंबर में ऑर्बिटल बढ़ते हैं। बोलो क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल है ना, इसको मिटाएंगे अभी, फिर आप नोट करना, फिर आपको बताऊंगा। एफ ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होता है, सेवेंथ पीरियड से स्टार्ट होता है। एफ ऑर्बिटल कौन से पीरियड में बनना शुरू होता है, सेवेंथ में, है ना, या सिक्स्थ में आप बोल दो, है ना। 45 6p 4f 5d 6p, ठीक है, 4 5 6, ठीक है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना। अभी इनको बताऊंगा मैं आपको, एक बार आप इनको नोट करो, देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेवेंथ में एफ ऑर्बिटल आएगा, नाइन्थ में आपका जी ऑर्बिटल आएगा, इलेवन में एच ऑर्बिटल आएगा, 13 में आई ऑर्बिटल आएगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको बताऊंगा, ठीक है, एक बार नोट करो बेटा। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ बेटा मैं आपको। देखो क्या याद रखना है, एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान से देखना, है ना, वहां से फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, है ना। क्या याद रखना है, सिक्स्थ और सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड में बेटा आपके एस ऑर्बिटल भी आते हैं, पी ऑर्बिटल भी आते हैं, डी भी आते हैं और एफ, ये चारों ऑर्बिटल या सबशेल आते हैं। तो आपको ये याद रखना है किसमें, सिक्स्थ और सेवेंथ में, है ना। अगर मैं बात करूं एट्थ एंड नाइन्थ पीरियड में, तो एट्थ और नाइन्थ पीरियड में एस पी डी एफ के साथ साथ जी सबशेल भी आ जाती है। अगर मैं बात करूं टेंथ एंड इलेवेंथ पीरियड में, तो एस सब शेल भी आएगी, पी भी आएगी, डी भी आएगी, एफ बी और जी और एच, ये सब शेल आएंगी, है ना, ठीक है। अभी ये याद रखना कि आज क्वेश्चन बताऊंगा आपको, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं बात करूं ट्वेल्थ एंड थर्टींथ पीरियड,
तो यहाँ पे एस भी आएगा, पी भी, डी भी, एफ भी, जी भी, एच और आई सबशेल, इस तरह से सबशेल्स आती हैं। ठीक है, अब ये हाइपोथेटिकल है तो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला वाला तो ठीक है, प्रैक्टिकली अपना प्रेडिक्टेबल में आ जाता है, फिर बाकी ये तीन हमारे प्रेडिक्टेबल में नहीं आते हैं नॉर्मली, लेकिन अपने को याद रखना है। बोलो क्लियर है ये बात, याद रखोगे? अच्छा, अगर भूल जाओ कभी तो याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल? सेवन, तो सिक्स और सेवन। जी में कितने? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। जी में कितने ऑर्बिटल है? नाइन, तो एट और नाइन। एच में कितने ऑर्बिटल है? इलेवन, तो टेन और इलेवन पीरियड, है ना। दूसरी चीज, जब भी आप कॉन्फिगरेशन लिखते हो तो एफ को हमेशा आप लोग फॉर एफ, एफ के लिए हमेशा आप लोग लिखोगे एन माइनस टू एफ, है ना। जी के लिए आप लिखोगे एन माइनस थ्री जी, एच के लिए फॉर एच आप लिखोगे एन माइनस फोर एच, और आई के लिए आप लिखोगे एन माइनस फाइव आई। वॉट इज एन? वॉट इज एन? एन इज नंबर ऑफ शेल या फिर पीरियड। कौन सा पीरियड है? एन क्या है? कौन सा पीरियड है? ठीक है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि बताओ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल टेंथ पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे मेरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, टेंथ की जगह ट्वेल्थ पीरियड कर लेते हैं, ट्वेल्थ पीरियड थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और क्या, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे ही मुझे पता पड़ा ट्वेल्थ पीरियड, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक होगी, ओहो ट्वेल्थ के साथ कौन आ रहा है? आई। और टेंथ ट्वेल्थ पीरियड बोला, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई? अगर मैं इसको लिखूं सॉल्यूशन, है ना, उधर लिखता हूं, ज्यादा नीचे हो जाएगा, यहां वहां एक लाइन में आ जाएगा। देखो अगर मैं लिखूं सॉल्यूशन, देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो कैसे होगा? सॉल्यूशन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जितना पीरियड है, कौन सा पीरियड है? ट्वेल्थ पीरियड है। अब मुझे पता है ट्वेल्थ पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे? एस पी, डी एफ, जी एच और आई, है ना। अब इनको उल्टा करके लिखो, आई, अगर मैं आई लिखूंगा तो आई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन माइनस फाइव, ट्वेल्व माइनस फाइव इज, है ना। अच्छा यहां पे एक चीज और लिख लेना, डी के लिए फॉर डी के लिए आप लिखते हो एन माइनस वन डी, तो ध्यान रहेगा, है ना। तो 12 माइनस फाइव इज सेवन, तो सेवन आई, कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं सेवन आई, है ना। उल्टा लिखना है बेटा, उल्टा। देन फिर कौन आया? एच। एच कितना है? 12 माइनस फोर इज एट एच। देन फिर कौन आया? जी, तो 12 माइनस थ्री इज नाइन जी। देन फिर कौन आया? एफ, 12 माइनस टू इज टेन एफ। देन कौन आया? डी, तो 12 माइनस वन इज 11 डी। लेकिन अब कौन बचा है? एस और पी, तो 12 पी एंड देन 12 एस, इस तरह से लिखना। अब आपसे क्या पूछा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है आई में कितने ऑर्बिटल है, यहां ऑर्बिटल लिख रहे हैं, यहां ऑर्बिटल लिख रहे हैं। आई में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 13। आई में कितने ऑर्बिटल? 13। एच में कितने ऑर्बिटल? 11। जी में कितने ऑर्बिटल बेटा? 9। एफ में कितने ऑर्बिटल? 7। याद है ना मैंने बोला था ऑड नंबर में चल रहे हैं, याद है? हाँ। डी में कितने ऑर्बिटल? 5। पी में बेटा 3, और एस में 1 ऑर्बिटल। सारे ऑर्बिटल को ऐड करो, 13 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1,
13 और 11, 24, 24 और 9, 33, 24 और 9, 33, 33 और 7, 40, 40 और 5, 45 और 3, 48 और 1, 49. इसका मतलब ऑर्बिटल्स कितने हुए आपके? 49 ऑर्बिटल्स, है ना? और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? दो इलेक्ट्रॉन. तो 49 ऑर्बिटल्स में कितने होंगे? 2 × 49, 9 × 2 = 18, 4 × 2 = 8 और 1 = 9. तो 98 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. पता चला? तो आपसे अगर बोल दिया गया कि 12th पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा? 98. दूसरी चीज क्या याद रखनी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड. जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पीरियड में उतने ही एलिमेंट भी होंगे. पता चल रहा है? जैसे मैंने बोल दिया फर्स्ट पीरियड, एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट. मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस आता है और क्या आता है? 1s, है ना? तो यहां पे आप क्या बोलोगे सॉल्यूशन में? 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होंगे. दो इलेक्ट्रॉन का मतलब दो एलिमेंट होते हैं. बोलो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? दो. एक और एग्जांपल ले लो, कौन से पीरियड का लूं? सेकंड का ले लेता हूं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? तो देखो सेकंड में क्या आएगा? 1s2, 2s2 और 2p6. दिख रहा है? समझ पा रहे हो इस बात को? पक्का समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब सेकंड पीरियड में कौन आएगा? एस आएगा और पी आएगा, एस और पी. और एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स एस के और 6 इलेक्ट्रॉन किसके? पी के. एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन. तो कितने हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. फोर्थ में आ जाओ. कहां करूं? यहां कर देते हैं लोग, है ना? क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड, है ना? आप लोग यहां नीचे कर लेना, है ना? मेरे पास नीचे इतनी ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूं. तो अगर फोर्थ पीरियड है तो फोर्थ में क्या आएगा? एस आएगा, पी आएगा और डी आएगा. फोर में क्या आता है? एस, पी और डी आता है, है ना? तो फोर और फाइव में डी आता है, 6 और 7 में एफ आता है. तो अगर इसको लिखोगे तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2. पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6. डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 10. कितने हो गए? 10, 6, 16 और 2, 18. तो कितने एलिमेंट होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं फोर्थ पीरियड में, है ना? तो इस तरह से आप पीरियड के एलिमेंट्स भी बता सकते हो. एग्जामिनर आपसे एलिमेंट पूछेगा. बोलो है आसान? तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उनको सबको नोट करते रहो. अब इतना आ गया, इतना सीख गए. अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे, अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख करके उसका ग्रुप और पीरियड दोनों निकाल सकते हो, ठीक है? और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये भी निकाल सकते हो, है ना? करो जरा एक बार नोट. चलो देखो आगे बढ़ते. एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, है ना? उसका और आंसर बता दो आप मुझे, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं ना. देखो मेरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड. मेरा क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड. हाउ मैनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड विच हैविंग इलेक्ट्रॉन इन 4d सबशेल, 4d सबशेल,
है ना, तो कितने एलिमेंट होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन 4d सबशेल में प्रेजेंट होगा, बताओ? कितने? देखो एक चीज समझो, मैंने आपको क्या लिखवाया, पीछे इधर लिखवाया था, d को हमेशा क्या लिखते हैं, n-1, f को लिखते हैं n-2। तो इसका मतलब अगर मैं फोर्थ सबशेल की बात करूं तो फोर्थ सबशेल में कौन सा ऑर्बिटल होगा, 4-1d ऑर्बिटल, यानी 3d ऑर्बिटल होगा। क्या फोर्थ सबशेल में 4d ऑर्बिटल होगा? कभी होगा ही नहीं। तो 4d ऑर्बिटल नहीं है तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं होंगे। दैट मीन्स आंसर इज जीरो, बिकॉज इन फोर पीरियड 4d सबशेल इज एब्सेंट, 4d सबशेल इज एब्सेंट। अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, है ना। एक क्वेश्चन और कराता हूं, वहां से आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। जैसे आपको क्वेश्चन बोला गया, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड विच हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन 3d सबशेल। और ध्यान से समझना कितने एलिमेंट हैं। अब आपसे ये नहीं पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट फोर्थ पीरियड में कितने हैं, ये नहीं पूछा। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने होते, अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होते तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने होते तो फोर्थ पीरियड में कौन कौन सबशेल आती, एस पी और डी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, सबशेल एस 1, पी सबशेल कितनी 3, और डी सबशेल कितनी 5। कितने हो गए, 5, 3, 8 और 1, 9। 9 सबशेल हुई या 9 ऑर्बिटल हुए। अगर 9 ऑर्बिटल हुए, बहुत ध्यान से समझो कि मैं एलिमेंट्स कैसे बता रहा हूं, कितने ऑर्बिटल हुए, 9 ऑर्बिटल्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 ऑर्बिटल में कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे ये पूछा कि फोर्थ पीरियड में एलिमेंट कितने होंगे तो आप कितना बोलते, 18 एलिमेंट्स। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कितने एलिमेंट है जिनमें इलेक्ट्रॉन 3d सबशेल में है, तो फिर आप सिर्फ डी को देखोगे, किसको देखोगे, डी को, और डी में कितने हैं, 5। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन फोर्थ शेल इन फोर्थ पीरियड विच हैविंग 3d इलेक्ट्रॉन्स आर कितने होंगे, सिर्फ 10, 10 एलिमेंट्स। अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे जिनके 4p सबशेल में इलेक्ट्रॉन हो, तो p में मैक्सिमम कितने आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 6। तो इसका मतलब एलिमेंट कितने होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। अगर बोलता एस में तो कितने होते, 2 होते। इस बात को समझ पा रहे हो, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एक तो था टोटल, टोटल का मतलब एस में कितने, पी में कितने, डी में कितने, यानी टोटल एलिमेंट। टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 18 एलिमेंट। लेकिन सिर्फ डी में पूछा होता तो 10d के काउंट करो, 10d के, पी में पूछा होता तो 6p के, और एस में पूछा होता 2s के। 10 और 6 16 और 2 हो गए टोटल 18। समझ रहे, कंफ्यूज तो नहीं हो? हाँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, आप इलेक्ट्रॉन्स बता दो,
इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट इक्वल होते हैं ना, देखो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियड इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड, तो आप इलेक्ट्रॉन बताओ या एलिमेंट बताओ, वो था सेम। इसीलिए जो आपका फोर्थ पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जबकि थर्ड में 8 होते हैं, सेकंड में भी 8 होते हैं और फर्स्ट में सिर्फ 2 होते हैं। क्लियर है? अब डाउट है किसी को? पक्का नहीं है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड, ग्रुप एंड पीरियड इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन। हमारा क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन। अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आप कैसे ग्रुप को और पीरियड को फाइंड करोगे? अब इसमें सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है, जब भी हमेशा जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ना, जिस ऑर्बिटल में या सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वही उसका ग्रुप होता है, वही उसका ग्रुप होता है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन लास्ट सबशेल, या लास्ट सबशेल ही लिख लो या ऑर्बिटल लिख लो, इज इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है ना, बोलो क्लियर है? कैसे, अभी वो एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले एक चीज क्या याद रखनी है आपको, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा, एस सबशेल में। अच्छा अगर मैं बोलता फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल में एंटर करेगा बेटा। अगर मैं बोलूं फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसमें, डी सबशेल, है ना। और एफ के लिए आपको क्या याद रखना है, एफ के लिए बस आप इतना याद रखना कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपका जो एटॉमिक नंबर है, अगर 58 से 71 है, अगर 58 टू 71 एटॉमिक नंबर है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। पहली बात, कॉन्फिगरेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, 58 से 71 के बीच में है ना, सिंपल सा तरीका, 58 से 71 के बीच में तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है एंड सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है, खत्म कहानी। उसके बाद दूसरा वो लेंथेनॉइड है, क्या है वो, हाँ, और ये सारे के सारे क्या है, लेंथेनॉइड। आपसे पूछा जा सकता है लेंथेनॉइड क्या है, सेम अगर मैं आपसे बोलूं 91 to 103 एटॉमिक नंबर, 91 से 103 के बीच में अगर एटॉमिक नंबर है तो भी वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट ही है और उसका ग्रुप बेटा थर्ड ग्रुप है और उसका पीरियड सेवेंथ पीरियड है और इनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। कल पढ़ाया है एक्टिनॉइड्स, है ना, कल पढ़ाया है ना। तो याद रखना, क्या क्या याद रखना है कि 91 के इसको एक काम करो, 90 से 103 एलिमेंट एफ ब्लॉक के और 58 से 71 इनके बीच में अगर कोई है तो याद रखना, और ये मोस्ट कॉमनली पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है?
कोई डाउट है ना। अब दूसरी चीज सुनो, जब भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हमेशा लिखेंगे, है ना। तो सेकंड पॉइंट, टू कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑलवेज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट, हमेशा क्या करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे, बोलो क्लियर है। दूसरी तीसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक से ज्यादा बॉक्सेस बना के दे देते हैं, तो वहां पे आपको मैजिक नंबर भी यूज करना आना चाहिए, जो कल के लेक्चर में पढ़ाया था, है ना, परसों के लेक्चर में पढ़ाया था ना, फर्स्ट लेक्चर में मैजिक नंबर पढ़ाया था। तो एक बार इसको नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं, वहां से हमें पता पड़ेगा कैसे कैसे होता है ना। करो बेटा एक बार नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। देखो मेरा क्वेश्चन है, आपको कॉन्फ़िगरेशन ने सिखा दी है तो आप उसको बना भी सकते हो साइड में ताकि आपकी हेल्प हो जाए, है ना। तो देखो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैलकुलेट द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर हैविंग फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। सबसे पहला आपको मैंने दिया फर्स्ट 27, एटॉमिक नंबर 27। सेकंड मैंने दिया 63। थर्ड में आपको दे रहा हूं 42। फोर्थ में आपको दे रहा हूं 101। और फिफ्थ में आपको दे रहा हूं बेटा 36। सिक्स्थ में आपको दे रहा हूं 57। और सेवन में आपको दे रहा हूं 39, है ना। 39 तो थोड़ा सा वो हो गया, 19 दे दिया, है ना। और एट मैं आपको दे रहा हूँ 16। ये मैंने आपको 8 दिए एलिमेंट, इन 8 की एक बार आप एटॉमिक नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं, इनका आप ग्रुप और पीरियड निकालो, पहले इसको निकालो, फिर एक अच्छा क्वेश्चन और दूंगा, है ना। करो जरा देखो, यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, उसके बाद निकालना आप, है ना, ठीक है। देखो एक चीज और हम बात कर रहे हैं इसके लिए फॉर ग्रुप्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दो चीज और बताना चाहता हूँ, तभी ये फिर आपका परफेक्टली निकल जाएगा, है ना। देखो फॉर ग्रुप, जब भी हम लोग ग्रुप की बात करेंगे, है ना, तो अगर एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आ रहा है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है किसमें, एस सबशेल में, है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू उसका ग्रुप, एस ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जितने उतना इसका ग्रुप। अगर एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ग्रुप, बोलो क्लियर है। अब एस के आपको पता है दो ही ग्रुप होते हैं, है ना, फर्स्ट और सेकेंड। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें, पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा है, लास्ट, तो आप अगर बोलो नंबर ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप का नंबर आप कैसे बताओगे, 12 प्लस इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, कैसे बताओगे नंबर ऑफ ग्रुप, पी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ ग्रुप कैसे बताओगे, 12 प्लस इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, साथ में नंबर ऑफ वो प्लस 12 कर देना, है ना, अभी करके बताऊंगा, है ना, एक मिनट दो। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, तो अगर आपको इसमें नंबर ऑफ ग्रुप बताना है तो आप बताओगे 2 प्लस इलेक्ट्रॉन इन
डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं 27 का, है ना, ये जो हमने दिया हुआ है ना फर्स्ट, मैं आपको करके बताता हूं, है ना। फर्स्ट है हमारा 27 एटॉमिक नंबर, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, जरा काउंट करो, दो दो चार, चार और छह, मैंने कहा था ना एस में मैक्सिमम दो बढ़ते हैं, पी में भी एस में दो बढ़ते हैं, पी में छह बढ़ते हैं, एस में दो, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए, दो दो चार छह दस, दस दो बारह, बारह छह अठारह, है ना। 18 के बाद फिर आता है 4s, वो गए 20, कितने बचे 7, तो 3d 7, यानी अब आप किसको देखोगे, हमेशा लास्ट ऑर्बिटल को देखोगे, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कौन सी में हो रहा है। अब इसको देख करके मुझे ये पता पड़ गया कि डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सबसे पहली बात पता चली कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का। दूसरा, अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 7, और हम डी के लिए कितना करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें प्लस 2, इसका मतलब 7 + 2 = 9, इसका मतलब 9th ग्रुप है। बोलो समझ आया, अब समझ आ रहा होगा ना, 9th ग्रुप है। अगर बेटा मैं पीरियड की बात करूं, पीरियड की बात करूं तो पीरियड में आप एन देखते हो, एन, अच्छा डी तो हमेशा क्या होता है, एन माइनस वन होता है, आप हमेशा पीरियड में क्या देखते हो, ऑलवेज चेक एन, और एन की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि यार डी को तो आप क्या लिखते हो, डी को तो आप कैसे लिखते हो ना, एन माइनस वन डी, ये तो लिखते हो एन माइनस वन डी, तो हमेशा जितना भी डी है उसमें एक ऐड कर देना, यानी एन के रिस्पेक्ट में, है ना। एक और बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ 42, एक और बताता हूँ 42, ताकि यार देखो दो एग्जाम्पल मैं बता दूंगा ना तो अब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा चीजें कैसे करनी है ना। देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, थर्ड 42 के लिए कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10, अगर कंफ्यूज होते तो ऐसे बना लो 1s, 2s, 2p साथ में, है ना, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, ऐसे बना लो, और फट से ऐसे भरते जाओ, फट से ऐसे भरते जाओ, है ना। अब देखो हमने कहाँ तक भर दिए, 3d, 3d 10, 3d के बाद किसमें आएगा इलेक्ट्रॉन, 4p, तो 4p 6, 4p के बाद किसमें आएगा 5s 2, है ना, 5s 2, सॉरी 5s 2, जरा काउंट करना, दो दो चार और छह दस, दस दो बारह, छह अठारह दो बीस, बीस और दस तीस, तीस और छह 36, 36 और टू 38, अब तक हमारे पास कितने हो गए 38 हो गए, क्लियर है। अपने को कितने चाहिए 42, है ना। अब 5s के बाद क्या आएगा 4d, तो 4d, 4d में कितने आएंगे, कितने बचे, चार बचे, यानी चार बचे, इसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है 4d, तो फिर से ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, इतना पता पड़ा। अगर पीरियड की बात, ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है डी में 4, और जब भी डी के लिए लिखते हैं तो 4 + 2 करते हैं, यानी कौन सा ग्रुप है बेटा, 6th ग्रुप है। बोलो समझ आ रहा है। अगर मैं बात करूं पीरियड की, तो पीरियड क्या होता है, डी एन माइनस वन होता है, कॉमन सेंस है, तो इसका मतलब 4d है, तो इसका मतलब 5 होगा, तो 5th पीरियड। बोलो क्लियर हुआ, और बोलो और कोई से चाहते हो बताना, तो सर ये वाला ही बता दो, कर लोगे आप, तो ये बात पता चला, तो ये पॉइंट इसलिए याद रखने, ठीक है। अब दिमाग लगा लोगे, पहचान लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है ना, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो एक बार करो जरा, बाकी भी करो। चलो तो आगे बाकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट तो, फर्स्ट और थर्ड तो मैंने कर दिया, अब सेकंड को देख लेते हैं एक बार, है ना, जो जो नहीं हुए उन्हें देखते हैं। देखो सेकंड में क्या बोला है,
सेकंड आपको बोला हुआ है 63, 63 देखते ही आपको पता पड़ रहा है कि 57 से 71 के बीच में आ रहा है, 58 से 71 के बीच में आ रहा है ना, तो 58 से 71 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है किसका एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का है। कौन सा ग्रुप है? थर्ड ग्रुप है। और कौन सा पीरियड है? सिक्स पीरियड है, ये तो अपने को याद ही है। तो इतनी लंबी कॉन्फिगरेशन लिख के टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना। थर्ड मैंने कर ही दिया, फोर्थ, फोर्थ इज 101। क्या 101 जो है वो 90 से 103 के बीच में आ रहा है? इसका मतलब ये भी इंटरेस्टेड है भैया, ये भी कौन से ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक का है। और कौन सा ग्रुप? अगेन थर्ड ग्रुप, लेकिन पीरियड कौन सा? सेवेंथ पीरियड। फिफ्थ है हमारा 36। अगर 36 की बात करें तो चलो इसकी कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अगर आप कॉन्फिगरेशन ना लिख पाओ तो अब वाला टेबल बना लिया करो, है ना, हेल्प मिलती है बेटा। 4s2, 3d, 10 एंड 4p6। देखो काउंट करो, 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 10 30 और 6 36, 36 हो गए, 36 हो गए, 36। अगर ये 36 हो गए, अब ध्यान से देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पी में। इसका मतलब कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम ग्रुप की पीरियड की बात करूं तो कौन सा पीरियड होगा? तो पी तो एन के साथ ही लिखा होता है, इसका मतलब फोर्थ पीरियड है, यानी कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड है। अच्छा देखो, अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप की बात करूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। और पी के लिए हम लोग क्या करते हैं? 12 ऐड करते हैं, तो 6 प्लस 12 इज 18, यानी 18th ग्रुप, और 18th ग्रुप इज नोबल गैस या फिर जीरो ग्रुप। बोल समझ पा रहे हो? शाबाश। देन आ जाओ 6th पे, 6th इज 57। अब देखो हमारी कॉन्फिगरेशन तो 58 से स्टार्ट हुई थी एफ ब्लॉक की, तो 57 है, तो यानी कॉन्फिगरेशन लिख दो फिर से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, then 5s2, 4d10, then 5p6, 6s2, then 6p1। एक बार गिन लो, 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, 30 यहाँ पे हो गए, 36, 36 और 2, 38, 38 और 10, 48, 48 और 6, 54, 54 और 2 और 1, 57, है ना। एक बार आप बाहू से भी क्रॉस चेक कर लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5d, 5p, 5f, इस तरह से, और फिर 6s, 6p, 6d, 6f। जरा देखना, इलेक्ट्रॉन अगर हम भरें तो 1s, then 2s, then 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, then 4d, 5d और 6s, है ना, इस तरह से, है ना। तो 6s, 6s के बाद क्या आया? 4f आया ना, तो 6p कैसे लिख दिया? क्या आया? 4f आया ना, तो 6p, हाँ इसीलिए मैंने वो लिखा है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, इसलिए वो लिखना है ना। तो इसका मतलब फिर क्या आया? 55 और 56। अब 6s के बाद किसमें जाएंगे बेटा? 4f1। अब हुए ना 57, अब हुए ना, गिन लो दोबारा से, 10 10 20 30 और 38, 48, 48 और 6, 54, 54 और 2, 56 और देन 4f1। इसका मतलब कौन से ब्लॉक का हो गया? एफ ब्लॉक का हो गया, है ना। तो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का? एफ ब्लॉक का, ठीक है। और ग्रुप की अगर बात करें तो
है। हाँ, अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप तो हमेशा एफ का क्या होता है, थर्ड ग्रुप ही होता है। और पीरियड की बात करें तो 4+2 इज सिक्स्थ पीरियड। बोलो पता चला। सुनो, 57 इज लेंथेनम एंड लेंथेनम इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आफ्टर दैट क्या आ गया, 19 और 16 है ना, तो 19 तो आप लिख ही सकते हो। यहां करते हैं, इसको मिटा दूं, ये इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप गड़बड़ ना करो, है ना, चीजें समझ लो, टाइम लेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, लेकिन आना चाहिए। सेवेंथ इज कितना था बेटा, 19, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, हो गया 19। इसका मतलब कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक है ना, कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, कौन सा पीरियड, फोर्थ पीरियड, क्योंकि फोर में आ रहा है ना, सेम एट्थ, 16 के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 4, 6, 10, 2, 12 और 4, 16, 16 हो गए। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। कौन सा ग्रुप, 12 प्लस 4 इज 16th ग्रुप, यानी ऑक्सीजन फैमिली, वो 16th ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली है ना। और पीरियड, कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड। बोलो समझ रहे है आसान। एक होमवर्क दूं, करोगे कल करके लेके आना, उसको नहीं होगा तो पहले मैं क्लास में उस क्वेश्चन को कराऊंगा, आफ्टर दैट फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना। होमवर्क क्या है मेरा, आपका क्वेश्चन है, देखो देखते जाना बेटा। और अब यहां पे आपको मैजिक नंबर भी यूज करने पड़ेंगे, ये आपकी हेल्प करेगा। ये हमारा 40 और ये ए है, आपको ए बताना है क्या है ना, और आपको बी बताना है क्या है, और ये आपका सी है, आपको सी बताना है क्या है। आपका बस ये क्वेश्चन है, आपको बताना है ए बी और सी है ना, आपका एलिमेंट ए कॉमा बी एंड सी का आपको एटॉमिक नंबर बताना है, और कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बताना है, एंड पीरियड, पीरियड आपको बताना है। बोलो कर पाओगे, ट्राई करना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 40 दिया हुआ है, अगर 40 दिया तो 40 की कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वहां से पता पड़ जाएगा कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड है, फिर उसके अगर ये पता पड़ गया तो उसके अड़ोस पड़ोस की पता पड़ जाएंगे, फिर तो आप कर ही लोगे। तो ये आपका होमवर्क है, इसे करके लेके आना, नहीं होगा तो कल मैं कराऊंगा, है ना। आज के लिए इतना ही बेटा।